देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। रियल लाइफ से रियल लाइफ में भी शक्ति का पाठ पढ़ा रही फिल्म अभिनेत्रियां। रियल लाइफ में कई स्थानों पर शक्ति का अभिनय करने वाली फिल्म अभिनेत्रियों ने रियल लाइफ में भी शक्ति बनने का महिलाओं को मंत्र दिया। मुंबई की भागम भाग की जिंदगी और ग्लैमर में अध्यात्म का तड़का लगाकर शक्ति का स्वरूप धारण करने के लिए प्रेरित करने वाली तपिश और अग्निपथ में दमदार भूमिका अदा करने वाली नीलू कोहली ने महिलाओं के बीच यह संदेश दिया। एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ मैं मुड़ी तो आई रियलाइज कि मैं एक नीलू कोहली, एक नई पहचान के साथ मैं अपने अंदर, मुझे बहुत खुशी होती है अपनी इस रियलाइजेशन, इस जर्नी की जो मैं नाउ एज अ पर्सन जो एक उभर रही हूँ। लेकिन एक इंसान की मेरी जिंदगी से जाने से मुझे जो रियलाइजेशन आई है, जो ग्रैटिट्यूड आया है, ये मेरी सीख है जो सुपर वाले ने मुझे दी है। दरअसल मुंबई के बोरीवली स्थित ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर शिव शक्ति लीडरशिप ग्रुप की प्रभारी बीके डॉक्टर सुनीता, बोरीवली सेवा केंद्र की प्रभारी बीके दिव्य प्रभा समेत कई लोगों ने महिलाओं को वर्तमान समय में अनेक शक्ति स्वरूपों को जागृत करने की अपील की। इसके साथ ही सभी को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि महिला जहां भी है वह हमेशा मातृत्व और दिव्य शक्ति का आधार है, इसीलिए महिला इसकी अहमियत को समझे, क्योंकि महिलाओं को अपनी शक्ति समझने से ही उनका मनोबल बढ़ा है। ऐसे में हम अपने घर परिवार में भी बेटियों को इसका मार्गदर्शन दे। शक्ति इज प्रोग्रेसिव, शक्ति इज द फॉर्म ऑफ प्रोग्रेशन मूवमेंट, and that is what we have learned through yoga, that is what we have learned through our meditation, and I pray to God that all the girls, all the behen, all the people understand this feeling and take the best of it. ओम शांति। एक दूसरे को बिना पहचाने पे हमेशा बोलते रहते हो, उसमें पीस ही बांटते हो, शांति ही बांटते हो हम सबके लिए, और वो जो कंटिन्यूटी आप में है, बेस्ट होना बड़ी बात नहीं है बट वो कंटिन्यूटी के साथ हमेशा उसको ग्रो करना बहुत बड़ी बात है जो आप सब में दिखती है। तो शुक्रिया ये सिखाने के लिए। और अलग अलग शक्तियाँ नारियों में समाई हुई है। असुरों को संहार करने की शक्ति भी काली देवी में समाई हुई है। तो ये सारी शक्तियों का हम स्वयं पूंज है, लेकिन हम अपने भीतर जाकर के झांके और देखें और उस शक्तियों को हम अपने जीवन में यूज़ करें। मुख्यालय में 7 दिवसीय डायबिटीज रिवर्सल रिट्रीट का आयोजन। ब्रह्मा कुमारी संस्था के मनमोहिनी वन स्थित ग्लोबल ऑडिटोरियम में 7 दिवसीय डायबिटीज रिवर्सल रिट्रीट का शुभारंभ किया गया। इसमें देश भर से प्री डायबिटिक के मरीज और डायबिटिक मरीजों ने भाग लिया। रिट्रीट में एक्सपर्ट डॉक्टर द्वारा राजयोग मेडिटेशन, संतुलित भोजन और एक्सरसाइज के द्वारा डायबिटीज रिवर्स करने और कंट्रोल में रखने की ट्रेनिंग दी गई। शुभारंभ पर संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन भाई ने कहा कि आज बदलती जीवन शैली में खुद को स्वस्थ रखना अपने आप में एक चुनौती है। मेडिकल विंग के सचिव डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने कहा कि मेडिकल विंग का उद्देश्य है कि लोगों का जीवन निरोगी हो, सब सुखी रहे, स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे। इसी उद्देश्य को लेकर अनेक अभियान भी चलाए जा रहे हैं। महिला प्रभाग की राष्ट्रीय संयोजिका बीके डॉक्टर सविता ने कहा कि सुप्रीम सर्जन परमपिता शिव परमात्मा हमें राजयोग मेडिटेशन की शिक्षा, संपूर्ण निरोगी भव की कला सिखाते हैं। कैड प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर सतीश गुप्ता ने कहा कि स्वास्थ्य के लिए राजयोग ध्यान, व्यायाम और संतुलित भोजन का अहम योगदान है। दवाइयां खा करके हम डायबिटीज को क्योर कर सकते हैं, ऐसी मान्यता को हम नहीं मानते हैं। डायबिटीज कोई भी बीमारी है, दवाई मदद करती है, बिना दवाई का कुछ होगा नहीं, लेकिन सबसे मदद हमारी परहेज है, हमारी लाइफ स्टाइल है। अभी इस राजयोग मेडिटेशन से राजयोग मेडिटेटिव लाइफस्टाइल और साथ में शुद्ध सात्विक भोजन, संतुलित भोजन, प्रॉपर सैर, प्रॉपर व्यायाम, प्रॉपर नींद और डिडिक्शन, स्मोकिंग और शराब से छुटकारा, इन सब बातों को देखते हुए हमें पक्का विश्वास है और उस अनुभव 26 साल के अनुभव से हम सोचते हैं कि हम इसको अभी इस प्रोग्राम को हम स्कूलों के लेवल पे प्रोग्राम शुरू करेंगे। छत्तीसगढ़ बिलासपुर में टेलीफोन एक्सचेंज रोड स्थित
राजयोगा भवन में बच्चों को संस्कारवान बनाने, चारित्रिक व मानसिक रूप से सशक्त बनाने एवं ग्रीष्मकालीन अवकाश का उचित लाभ लेने हेतु 5 दिवसीय बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र प्रभारी बीके स्वाति ने बच्चों को आंतरिक व बाह्य स्वच्छता, माता पिता व बड़ों का सम्मान करना, आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए मेडिटेशन करना एवं पानी को चार्ज करना सिखाया। 5 दिवसीय शिविर में बच्चों को आज्ञाकारिता, समय का महत्व, मोरल वैल्यूज की कहानियाँ, एकाग्रता को कैसे बढ़ाए, मोबाइल के दुष्प्रभाव के प्रति जागरूकता, पर्यावरण की सुरक्षा, नैतिक शिष्टाचार एवं भारतीय दैवी संस्कृति से परिचय कराया। बीके संतोषी ने बच्चों को आत्मज्ञान के साथ अपने मन को कैसे पावरफुल बनाए इसकी जानकारी भी दी। शिविर में माही डेंटल क्लिनिक की डेंटल सर्जन डॉक्टर महिमा अग्रवाल, दुर्गा वाहिनी विश्व हिंदू परिषद की प्रांत सह संयोजिका प्रीति दुबे, पर्यावरण संरक्षण गतिविधि जिला संयोजक अक्षय अलकरी ने बच्चों को मार्गदर्शित किया। कैंप में डांस के साथ साथ कविता, कहानियां, जुम्बा, ड्राइंग, सजावट आदि गतिविधियां भी आयोजित हुई। करनाल सेक्टर 7 में मुख्यालय से बीके ओमकारचंद के पहुंचने पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। खुशियां आपके द्वार शिविर में बीके ओमकारचंद ने संबंधों में मधुरता विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि रिश्तों को सुंदर बनाने के लिए दूसरों को बदलने के लिए नहीं सोचना है। जितना हम दूसरों को बदलने की कोशिश करते हैं उतना रिश्ता और अधिक उलझता जाता है और वो व्यक्ति हमसे दूर होता जाता है। शिविर में डॉक्टर संजय अरोरा ने अपने विचार रखते हुए कहा, ब्रह्मा कुमारी संस्थान से यह सीख लेनी चाहिए कि कैसे आपस में प्यार, सेवा भाव और भाईचारे से रहा जा सकता है। इस अवसर पर रोटरी क्लब के प्रेसिडेंट वैद्य विक्रम मित्तल, स्थानीय सेवा केंद्र की प्रभारी बीके प्रेम ने भी अपने विचार रखे। बीके प्रेम ने कहा कि खुशी एक खजाना है और एक दवा भी है। हम केवल वर्तमान में अच्छे से अच्छा जीवन जीने का सोचे तो तनाव दूर हो जाएगा और भविष्य सर्वश्रेष्ठ होगा। बिंदी लगाओ पुरुष का पूर्ण विराम, हिंदी में उसे कहते हैं पूर्ण विराम कि अब स्टॉप, जो हुआ सो हुआ, अब सबके लिए सद्भावना शुभ भावना उनकी मुझे रिश्ते नाते ठीक करने हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि रिलेशंस को टाइम दें। दूसरा हमारा व्यवहार, सभी के साथ हमारा व्यवहार बहुत पॉजिटिव हो। जितना हम पॉजिटिव होंगे उतना ही दूसरा हमारे लिए पॉजिटिव होगा। हमारा व्यवहार बेसिकली मिरर है, आईना है। जैसा हम दूसरे के लिए करेंगे, जैसा व्यवहार, जितना पॉजिटिव हम रहेंगे उतना ही पॉजिटिव हमें मिलेगा। राजकोट के हैप्पी विलेज में किड समर कैंप और नर्स समुदाय को धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। इसी कड़ी में अवधपुरी सेवा केंद्र पर माताओं का गुणगान करने हेतु कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। जोन की निदेशिका बीके भारती दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित इन कार्यक्रमों में हैप्पी विलेज में बच्चों के ग्रीष्मकालीन शिविर की मैराथन और नर्स समुदाय को धन्यवाद ज्ञापन कार्यक्रम में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें सभी को परमात्मा परिचय दिया गया। किड्स कैंप में 10 से 15 आयु वर्ग के बच्चे शामिल हुए, जिसमें व्यायाम, कार्यशालाएं, गीत, नृत्य, नाटक, ध्यान आदि के माध्यम से बच्चों को मार्गदर्शित किया गया। उन्हें हास्य के साथ ज्ञान की खुराक भी दी गई। ईश्वरीय सेवाओं के आदिरत्न भ्राता बीके जगदीश चंद्र जी, जिन्होंने ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने के बाद सन 1953 में ईश्वरीय यज्ञ में समर्पित हुए, जिन्हें स्वयं परमपिता परमात्मा ने संजय नाम दिया, उनकी 23वीं पुण्यतिथि पर भुवनेश्वर यूनिट 8 सेवा केंद्र पर बीके सदस्यों द्वारा उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके दुर्गेश नंदिनी ने बीके जगदीश भाई जी के जीवन कहानी से सबको अवगत कराया, साथ ही उनके संस्मरणों को याद किया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।